मेरे लड़के को अस्पताल का प्रॉब्लम था, पंप लेना पड़ता था, तो धनवंतरी की दवा मिल गई। हमारे सीनियर आर एस ने मेरे को बस के ये बात बताई और मैं बुलाना चल के गया, उनसे दवा लेके आ गया। मेरे को जब बिजनेस समझा गया तो मैं उस टाइम में बिजनेस को समझने को कोई मेरी कोई तैयारी नहीं थी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मेरे को ये बिजनेस मेडिसिन का बिजनेस है। मेरी लड़की अच्छी हो गई तो मैं बिजनेस करके रहूंगा, लेकिन स्वास्थ्य पहले मेरे को रिजल्ट आ गया तो मैं काम करूंगा, लेकिन ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन ये काम किसी का बस का नहीं है, लेकिन सीखते सीखते आदमी सीख जाता है। तो वैसे मेरे को लड़की के एक महीने में डेढ़ महीने में अच्छा रिजल्ट आ गया। जैसा भी रिजल्ट आ गया तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हो गया। तो मेरे मामा को सोरायसिस स्किन डिजीज का प्रॉब्लम था, उसको दवा दिया। हमारे गांव में पहले साल किडनी का पेशेंट था, उनको दवा दिया। गर्भवती का पेशेंट था, उनको दवा दिया। कैंसर के पेशेंट को दवा दिया। जब रिजल्ट आ गया तो मैं पॉजिटिव हो गया। एक डेढ़ महीने दो महीने घर में दवा खाने के बाद दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो अपने जैसे दर्द नहीं है, दर्द से बहुत परेशान है लोग, उसके लिए अपने लोगों को बताना चाहिए। जब ऐसे चार पांच लोगों को रिजल्ट आ गया तो मैंने धनवंतरी का बिजनेस चालू कर दिया, क्योंकि समझ की तो बात नहीं थी। लेकिन जब दवा देके लोग अच्छे हो रहे तो ये काम करने के लिए अपने को कोई तकलीफ नहीं जाएगी, क्योंकि रिजल्ट अपने को आगे अपने को पॉजिटिव करता। पहली बात इसके लिए मैं ये बोलता कि कोई धनवंतरी का बिजनेस करना चाहता है तो घर में पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि खुद प्रोडक्ट खाएंगे तो अपना विश्वास बढ़ जाएगा। विश्वास बढ़ जाएगा तो अपन लोगों के आत्मविश्वास से बताएंगे तो लोग भी अपने साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ये बिजनेस चालू करने का था, तो कोई बात कोई दिक्कतें आती है, लेकिन आदमी पॉजिटिव है, कुछ करने का रहा तो वो आदमी उस पर कोई अपना मार्ग निकाल लेता है। जैसे मैं पैर से हैंडीकैप हूँ, मेरे को गाड़ी चलाते नहीं आती। मेरे मित्र थे धनवंतरी के, हम पहले उनके पास मेरी LIC की पॉलिसी थी। गौतम भावट करके वो अभी मेरे साथ आए है, वो भी डायमंड है, मैं अभी एक भी डायमंड हूँ। तो उनको मैंने जोड़ा, उनके साथ मैंने चला, उनके गाड़ी पे हम दोनों गए, दोनों बिजनेस सीखते गए, करते गए करते गए। जैसे वो पर्ल बन गया, मैं रूबी बन गया, वो रूबी बन गया, मैं डायमंड बन गया, वो डायमंड बन गया, मैं इंजूरी बन गया। ऐसे करते करते हम दोनों ने साथ में हमारे महाराष्ट्र में काम शुरू कर दिया। तो दिक्कतें बहुत आती है, लेकिन आदमी उस पर अमल करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। आदमी शरीर से विकलांग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर से विकलांग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिमाग से विकलांग नहीं चाहिए। क्या बात।